हेलो गाइस, दिस इज सुखदेव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट जूम ऐप, राइट। अभी आप में से बहुत जन हो जो जूम में कोई क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे हो, राइट। अब ऑब्वियसली हम लोग करने का कोई उपाय नहीं है। हम लोग अगर हो सकता है आप लोग जान रहे होगे कि जूम के थ्रू बहुत सारे डेटा लीक हो गया, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि छोड़ो ना, हुआ होगा कहीं और, हुआ होगा यहाँ तो नहीं हो रहा। बट यू आर रॉन्ग गाइज। हर जगह वर्ल्ड का कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये लीकेज नहीं हुआ है। इवन नियर अबाउट 5,30,000 अकाउंट्स अभी लीक हो चुका है, नंबर ऑफ पिक्स लीक हो चुका है। अब पिक्स का बात करें, राइट, आप जूम ऐप यूज़ कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका खुद का फेशियल वर्चुअलाइजेशन वहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अगर हम स्क्रीनशॉट लेके अगर उसको लीक कर दे तो ऑब्वियसली लीक हो रहा है। तो जो हैकिंग प्रोसेस में किया जा रहा है, जो लीकिंग के टाइम पे, लीक के टाइम पे, ये वीडियो में आपका कोई भी, जब से ही आप कोई एक तो कॉन्फ्रेंस कॉल में बैठे हुए हो, बीच में आके घुस के आपका स्क्रीनशॉट लेके लीक कर दिया जा रहा है, ओके। या आपका पिक का स्क्रीनशॉट लेके, जो भी आपका वीडियो में जैसे करके आप पोस्टर में बैठे हो, सेम पिक को स्क्रीनशॉट लेके लीक कर दिया जा रहा है। इवन आपका ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू आप जूम ऐप में लॉगिन किए वो लीक हो रहा है, आपका पासवर्ड लीक हो रहा है स्ट्रेंजर्स को। ओनली 15 पैसे पर डिटेल्स, या गाइज ओनली 15 पैसे पर डिटेल्स का बेचा जा रहा है, ओके। अब इसमें आपको करना क्या है, आप अगर कोई स्कूल के अंदर में हो, स्कूल के अंदर में अगर आपका कोई क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो प्लीज़ आप कन्वे करिए सेम मैसेज कि प्लीज़ मैम या सर को रिक्वेस्ट करिए कि जूम को इमीडिएट बंद किया जाए, जूम के थ्रू आपको पढ़ना नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, लाइक एक केस के बारे में बता रहे हैं जो सिंगापुर में रिसेंट हुआ है। बच्चा लोग को पढ़ाया जा रहा था, ओके। अब पढ़ाने के बीच में अचानक से कुछ न्यूड पिक्स वगैरह बच्चा लोग को शेयर कर दिया गया है। कहाँ से शेयर किया गया किसी को कुछ पता नहीं है, आया है सबके स्क्रीन पे सेम पिक्स स्प्रेड किया गया है, सबको सबका फ़ोन में सेम पिक्स दिखा जा रहा है। अब ऑब्वियसली बच्चा लोग पढ़ रहा है, बच्चा लोग के फ़ोन में अचानक से अगर नूड्स आ जाएगा तो वो तो अच्छा बात नहीं है। इवन जो डेटा इस लीक हो रहा है, लीक के साथ आपके कंप्लीट फ़ोन के भी एक्सेस लिया जा रहा है। फ़ोन के एक्सेस इन द सेंस, आप जब आप जूम ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, ऑब्वियसली आप एक चीज़ अभी आप वीडियो अगर आप देख रहे हो, आपके फ़ोन में अगर आपका जूम ऐप इंस्टॉल्ड है, आप जाइए जूम का सेटिंग्स चेक करें, वहाँ पर देखिए कि आप उसको क्या क्या परमिशन दे के रखे हो। ऑब्वियसली स्टोरेज का परमिशन जाएगा, माइक्रोफोन का जाएगा, कैमरा में जाएगा। इन स्टोरेज का परमिशन मतलब कंप्लीट फ़ोन का एक्सेस आप दे दिए हो। अब इसमें लीक कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लीक कैसे हो रहा है, जब सब कोई बोल रहा है, बड़ा बड़ा कंपनीज बोल रहा है कि जूम के थ्रू मीटिंग करते हैं, क्लाउड मीटिंग होगा, चलो करते हैं। हम लोग का घर में ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन का टाइम में जब हम काम नहीं कर पा रहे, पढ़ाई बीच में छूटा हुआ है बहुत जन का, तो जूम के थ्रू हम लोग कर लेते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, राइट। तो इसमें लीक इसलिए हो रहा क्योंकि जूम ऐप में कोई भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। गौर कीजिएगा, कोई भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। इसमें होता क्या है, जब भी आप इंक्रिप्टेड नहीं हो तो कोई भी तीसरा थर्ड पार्टी घुस के आपका कंप्लीट चीज़ को एक्सेस कर सकता है, या ऑब्वियसली पूरा कर सकता है क्योंकि पूरा खुला है, ओपन है, आराम से डिक्रिप्टेड है, कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर उतना उसको पता है, नॉलेज है बंदे को किसी को कि हम एक पर्टिकुलर वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर घुस के ये चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ऑब्वियसली करेगा। एंड इसमें अभी तक का लाइक कोई भी ऐसा सिक्योरिटी का एक स्टेप भी आगे नहीं लिया गया हो कि हाँ ठीक है चलो एनक्रिप्शन हम लोग कर देते इतना लीकेज होने के बाद भी। आई डोंट नो वाई ऐसा किया जा रहा है जूम के तरफ से, बट प्लीज़ अगर आप जूम इंस्टॉल किए हो तो उसको अभी तुरंत अनइंस्टॉल करिए। एंड जो भी जिसके थ्रू आप इंस्टॉल किए उनको बोलिए कि सर या मैम हमें जूम के थ्रू नहीं करना है, बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, आप प्लीज़ कोई अदर सॉफ्टवेयर बताइए, उसमें हम लोग मीटिंग या फिर क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर आप पूछिएगा कि अदर लाइक वॉट, आप गूगल का हैंगआउट यूज़ करिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स ऐप यूज़ करिए, या ये दोनों बहुत सिक्योर। ऑब्वियसली गूगल का हैंगआउट में गूगल का सिक्योरिटी मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी मिल रहा है, बट जूम में ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, या ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी पर्पज़ में कुछ नहीं किया गया, कोई भी स्टेप्स नहीं लिया गया हुआ है। इवन आप लोग शायद न्यूज़ पे देखे होंगे या फिर बहुत जन को इसके बारे में पता होगा, लाइक गवर्नमेंट रेड फ्लैग रेज किया गया है, ओके। इवन गवर्नमेंट्स को ये बोला गया है, गवर्नमेंट ये कि आप अगर मीटिंग कर रहे हो तो आप जूम के थ्रू मीटिंग ना करें, या फिर अगर आप जूम के थ्रू कर रहे हो तो ऐसा कोई भी चीज़ आप उसमें मेंशन ना करें जिससे किसी को पता चले अंदर का बात। अब फॉर एग्जांपल और एक तो बता दे रहे हैं, गूगल सपोज़ गूगल एक तो लाइक कोई सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहा है, ओके। अब
अगर गूगल के एम्प्लॉयज़ के पास जूम ऐप है, वो जूम में अगर आप मीटिंग कर रहे हैं या फिर चैट कर रहे हैं, वो अगर उस पर डिस्कस कर रहे हैं ना कि हाँ पता है गूगल में अभी पता चला कंपनी में अभी हम लोग का ना यहाँ पे एक तो अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, या फिर बहुत सारा डिमांडिंग आएगा, बहुत सेल होगा, बहुत अर्निंग भी आ सकता है, अगर ये जूम में बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली वो कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है चीज़ को, ऑब्वियसली आपका जो कन्वर्सेशन हो रहा है एनक्रिप्टेड नहीं है, तो कोई भी तीसरा उसको यूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है, राइट। तो इसीलिए गूगल ऑन द स्पॉट, जैसे ये जूम के बारे में गूगल का पता चला है, गूम अपने ए टू जेड एम्प्लॉयज़ को ये बोल दिया है, स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि किसी के फ़ोन में या पर्सनल लैपटॉप में या कंप्यूटर डेस्कटॉप में आपका जूम नहीं रहना चाहिए, जूम को इमीडिएट बंद करिए, ओके। और जो सेकेंड चीज़ है, आप में से ऐसे बहुत सारे सोच सकते हैं कि स्टूडेंट का डिटेल्स लीक करके क्या मिलेगा, बट इन दिस केस गाइस नियर अबाउट 290 डिटेल्स स्टूडेंट्स का है या 290 डिटेल्स स्टूडेंट्स का है, कुछ स्कूल्स का, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, या स्टूडेंट्स के भी अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। और सेकेंडली, अगर गाइस आप लोग जूम ऐप में जो जीमेल से लॉगिन किए हो उसमें जो पासवर्ड आप दिए हो जूम ऐप में लॉगिन करने के लिए, वो पासवर्ड अगर आपका कहीं और अकाउंट में यूज़ हो रहा है तो प्लीज़ उसको अभी के अभी आप चेंज करिए, इमीडिएट आप चेंज करिए, क्योंकि अगर आप जूम में दे दिए, गूगल का सर्वर में अपलोड हो चुका है, डेटाबेस में उसका स्टोर हो चुका है, ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किए वहाँ से अगर लीक हो जाएगा तो वो पासवर्ड अगर कहीं और आप यूज़ करो तो वो अकाउंट भी आपका डिटेल दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि एक सिंपल पासवर्ड अगर हर जगह सेम पासवर्ड अगर यूज़ करते हो, एक पासवर्ड अगर किसी को मिल जाता है गाइस तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, बाद में आपको दिक्कत दे सकता है। एंड जो जीमेल आप यूज़ कर रहे हो, अगर ऐसा हो सकता है कि सेम जीमेल में आप फेसबुक ओपन किए हो या फिर कोई अदर चीज़ आप सोशल नेटवर्किंग में एक्सेस कर रहे हो सेम जीमेल से, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप सेम पासवर्ड यूज़ किए हो या फिर सेम जीमेल आपका लिंक्ड है कोई और प्लेस में, प्लीज़ आप अलग जीमेल बनाइए या कुछ भी करिए, बट वहाँ से हटाइए, ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, एंड डिटेल्स हम इसके ऊपर और एक तो डिटेल्स हम और एक वीडियो आज रात तक अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम बाकी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक और क्या क्या मेरे को मिला है, ओके। तब तक आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अनइंस्टॉल इट राइट नाउ। थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।